हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जीनस कैंपरनोटिस के बारे में। इन्हें कारपेंटर एंट और शुगर एंट के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। इन्हें कारपेंटर एंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े कारीगर होते हैं। बिल्कुल टर्माइट्स की तरह ये भी वुडन स्ट्रक्चर्स में नेस्ट बनाते हैं, पर उसे कंज्यूम नहीं करते। और ये बहुत सारे अर्बन एरियाज में पेस्ट भी होते हैं, क्योंकि ये वुडन फ्रेम्स और वुडन डोर्स पे नेस्ट बनाते हैं, जो बहुत अच्छा मॉइस्चर होल्ड करते हैं और उन्हें परमानेंटली डैमेज करते हैं। और इन्हें शुगर एंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें शुगर सोर्सेस बहुत पसंद है और उन्हें कंज्यूम करने पे इनका गैस्ट्रो बिल्कुल बैरल शेप का हो जाता है। अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स जीनस है ये। आप देख सकते हो इस जीनस में स्पीशीज की लिस्ट कितनी बड़ी है, और ये जीनस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। इस जीनस में मोर देन 1000 स्पीशीज एंड मोर देन 400 सब स्पीशीज है। इंडिया में इस जीनस के 74 स्पीशीज़ है, और इन महाराष्ट्र स्टेट में इस जीनस के 26 स्पीशीज़ है। ये जीनस आपको फॉरेस्ट में मिल जाएगी, डेजर्ट में मिल जाएगी, बोले तो आपके घर पे भी मिल जाएगी। डायनोमोनिक जीवा वन ऑफ दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंट जो है, वो भी पहले कैंपरनोटस जीनस में ही था, पर अभी उसे अपना अलग डायनोमोनिक जीनस में शिफ्ट किया गया है। तो अब कैर की बात करते हैं। कैंपरनोटस कॉलोनीज फाउंड करना बहुत इजी है। आपको बस इसके लिए एक साधारण स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब सेटअप की ज़रूरत है। अगर आपको टेस्ट ट्यूब सेटअप क्या होता है ये पता नहीं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो बस आपको अपने क्वीन को एक टेस्ट ट्यूब सेटअप में डार्क में रख देना है, जब तक फर्स्ट वर्कर्स नहीं आते। इन्हें नैनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्हें नैनेटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, पर उस टेस्ट ट्यूब सेटअप में थोड़ा सबसेट डालना रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये जीनस के जो लार्वे होते हैं वो ककून स्पिन करते हैं। और इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको आपकी क्वीन को फीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी क्वीन फुली क्लॉस्ट्रल है। फुली क्लॉस्ट्रल मतलब आपकी क्वीन जब तक नैनेटिक्स हैच नहीं होते तब तक वो अपने विंग मसल्स में जो फैट्स है उसे यूटिलाइज करके वो 2 महीने तक फास्ट करेगी। अगर आप इस पीरियड में उसे कोई कुछ फीड करोगे तो आप उसे डिस्टर्ब करोगे। तो अब फीडिंग की बात करें तो आपको बस आपके कॉलोनी को अल्टरनेटली हनी और प्रोटीन फीड करना है। इनका नाम शुगर हैंस है, तो इन्हें शुगर तो पसंद रहेगा ही। मैंने देखा है कि इनको फ्रूट्स भी बहुत पसंद है, तो आप इन्हें फ्रूट्स भी खिला सकते हैं। प्रोटीन है, आप इन्हें इंसेक्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। मैं मेरे कॉलोनीज को मीलॉम्स खिलाता हूँ। नप्शल फ्लाइट्स की बात करें तो नप्शल फ्लाइट्स एंड ऑफ मई में स्टार्ट होता है और जुलाई तक रहता है। कैंपरनोटस क्वींस जो होती है वो थोड़ी बेसिकली रेयर होती है। कैंपरनोटस क्वींस लाइट से अट्रैक्ट नहीं होते। आपको बहुत सारे क्वीन एंट्स लाइट सोर्स के बाजू में मिल जाएंगे, पर आपको कैंपरनोटस इतने जल्दी मिलेंगे नहीं, इसलिए वो थोड़े रेयर होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोले तो कैंपरनोटस मेरा फेवरेट जीनस है। मैंने अब तक 2 कैंपरनोटस कॉलोनीज रेज किए हैं, कैंपरनोटस इरिटेंस और कैंपरनोटस वेरिकेटस। एक ही कॉलोनी ने सर्वाइव किया, कैंपरनोटस इरिटेंस, जो अभी बहुत जल्दी मोर देन 20 वर्कर्स होने वाला है। और ये जो कैंपरनोटस जीनस है ये बहुत लोग को पसंद है। जीनस के कैंपरनोटस पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं, होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ऑब्जर्व करना, अलग अलग इजी वर्कर कास्ट होते हैं, और इन्हें मेजर्स एंड वर्कर्स कहते हैं। मेजर्स जो होते हैं वो मसल पावर ऑफ द कॉलोनी होते हैं, और वो इंसेक्ट्स के एंडोस्केलेटन तोड़ने में मदद करते हैं। और ये मेरे कॉलोनी का फर्स्ट मेजर है, इसे आने के लिए अप्रॉक्स 5 मंथ्स लगे। और इन सब के कारण कैंपरनोटस बहुत फेमस जीनस है एंड कीपिंग कम्युनिटी में। अगर आपने ये वीडियो इतनी दूर देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि